इस वक्त की बड़ी जानकारी को आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड में दो विधायक जीत कर आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मोहम्मद शहजाद को विधान मंडल का नेता बनाया है। यहां से मोहम्मद शहजाद और शरबत करीम अंसारी दो विधायक बीएसपी के जीत कर आए हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको बता दें कि उत्तराखंड से दो विधायक जीते हैं और उन्हीं में से एक मोहम्मद शहजाद को बहुजन पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आपको बता दें कि उन्हें विधान मंडल का नेता बनाने का फैसला लिया है। हालांकि संगठन में दोनों ही नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, पार्टी संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही आपको बता दें उन्हें विधान मंडल का नेता भी बना दिया है। उत्तराखंड में कल दोनों ही नेताओं ने अवैध खनन के विरोध में ज्ञापन प्रदर्शन भी किया और विधानसभा के बाहर दोनों ही नेताओं ने आपको बता दें कि अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड में आए विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा उम्मीदें थी इस बार, लेकिन अंत में दो ही सीटें जीतकर आने में कामयाब हो पाई। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें संगठन में तो जिम्मेदारी दी है, साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा के अंदर भी विधानमंडल का नेता बनाकर उन्हें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी है। बहुजन समाज पार्टी के नेता ने कल विधानसभा अध्यक्ष को